आज 1 साल पहली अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सो सुनी चाहिए, फिर मैं तो टेप पड़ गई, फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्क सिट गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हो रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। तो मैं रूम में घुटनों में हाथों में जोड़ों जोड़ों में सब कमर में सब दर्द था। राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूर रायथल के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली 50 वर्षीय मंजू यादव जी, जो अपने मवेशियों की सेवा कर रही हैं, रोजाना 120 लीटर से ज्यादा ऐसे ही बैठकर दूध काढ़ती हैं। 30 से 35 किलो का बोरा चुटकी में आसानी से उठा लेती हैं। मंजू देवी की कहानी उनके लक्ष्य और संघर्ष का प्रतीक है। आप शायद विश्वास ना करें कि 8 से 9 महीने पहले तक यही मंजू जी को इनके पति और बेटा सहारा देकर बिस्तर से उठाते थे। काम भी हम इनका भी हम ही करते थे, पालना फिराना से भी, उठने बैठना दूसरी साइड लेके जाए तो बैठा खुद ले जाओ, बैठाओ लेटाओ, सब काम हम ही करते थे इनका भी। कमर दर्द के कारण ये बिना सहारा उठना तो दूर चल भी नहीं पाती थी। उन्हें डॉक्टरों ने अपनी स्लिप डिस्क समस्या के कारण आराम करने की सलाह दी थी। एक समय तो ऐसा आया जब डॉक्टर्स ने उन्हें ये सुझाव दिया कि वो अब जीवन भर बिस्तर बंद रहेंगी। डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि अब जब तक जिएंगी तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया तुम्हें, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हर दिन 100 लीटर से अधिक दूध काढ़ने वाली महिला, जो रोजाना अपनी 10 गायों और भैंसों की देखभाल करती थी, अब अपनी स्लिप डिस्क के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? पिछले 3 महीनों से वो अब पहले की तरह काम कर सकती हैं। चलना फिरना तो बहुत छोटी बात है, भाग दौड़ करके पूरे घर के साथ साथ अपने मवेशियों को भी संभाल रही हैं। हमने ऐसे YouTube देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, YouTube पे आया इनका, तो इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं, तो मंगाया, तो उन्होंने गोंसिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, अरे आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना। मंजू जी कैसे बिस्तर से उठकर सिर्फ 3 महीने में इतना बड़ा बदलाव अपने जीवन में लाई हैं, यही देखने हमारी टीम इतनी दूर इनके गांव पहुंची। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और हम पहुंचे हैं जयपुर से 60 किलोमीटर दूर रायथल, लेकिन हम चौमू से होते हुए रायथल पहुंचे हैं और रायथल से आगे लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है बासड़ी कला गांव, यहाँ पे रहती हैं मंजू यादव जी। ऐसा क्या उनकी ज़िंदगी में हुआ कि आज वो अपना सारा काम खुद करती हैं, जो 5 महीने पहले बेड से नहीं उठ पा रही थी? यही देखने हम उनके गांव पहुँचेंगे और आपको भी दिखाएंगे उनकी ये सच्ची कहानी, तो चलिए मेरे साथ। मंजू जी, शुक्रिया, आपने अपने घर तक हमें बुलाया और आपसे मिलने का हमें ये मौका मिला है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको परेशानी क्या थी? मेरे को दर्द था कहाँ? वेरू में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। धीरे 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 बढ़ता ही गया और धीरे धीरे काम करती रही। और फिर एक दिन बैठे बैठे हम फोन देख रहे थे, वो फोन में देखा तो हकीम साहब की कोई बारे में बता रहा था। विनोद ने देख कर मेरे को बोला कि मम्मी ये दवाई काम कर जाएगी, आप ही आप ले लो, क्योंकि बेटा ऑर्डर कर अभी। और दवाई आ गई, ठीक है। थोड़ा तकलीफ कितनी होती थी? बहुत ज्यादा, रोटी भी पोती में 3 ही चना की, तो हम खड़ी खड़ी बोले थी, कुछ देर पोती कुछ देर खड़ी रहती। और अभी तो मैं सब काम कर लेती हूँ। काम क्या क्या करती हैं आप? घर को, रसोई को, 10 गाय जे, 10 गायों को दूध निकाल लूँ, गोबर नाक दूँ, ठीक है, चारा डाल दूँ, बंटा डाल दूँ, जाओ सुबह लिया हूँ, माइन लिया हूँ, सब कुछ कर लूँ।
तो पहले क्या काम नहीं कर पा रही थी? ये जितने भी काम अभी आपने मुझे बताए मैं हैं। तो सिर्फ दो बार बेटा ने रोटी बना दे हुई सी चाय रोटी ना भाभी लेट जाओ चाह तो बंडिया तक छोड़ रहा हो चाह और ना और कपड़ा ने जो खोल दे देती तो सुखा था दूसरा ले रहा था मैंने उल्टी के अभी रोटी और चाय बना दे डांडा तो मैं कर लिया लो जिया कर लिया सर पर बोझ तो ऊँच कुन पाऊ ची आजकल सर पर बोझ उठा ले रहा जाऊँ। अब सर पे बोझ उठा के लेके चली जाती हैं, पहले नहीं हो पाता था। हाँ ठीक है, तो घर में आपके अलावा और कौन कौन है? विनोद है, उसके पापा है। ठीक है, तीन लोग हैं आप। हाँ। जब आपको ये दर्द की शिकायत शुरू हुई, दर्द आपका बहुत बढ़ गया, तो वो दिन कौन सा था ये बताइए, जिस दिन आपका दर्द बहुत बढ़ गया? वो आज के एक साल पहले यही दिन था, मई के महीने कोई सी तारीख थी। हाँ अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई, चाय लेर बैठ गई तो यहाँ आठ सौ सौ नीचे बनी होगी, फिर मैं तो उठी पड़ गई, फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्चिक गई आपकी, तो वही इंजेक्शन लगा दिया, साथ में इंजेक्शन लगवा बा और दे दिया टेबलेट दे दी, 3 महीने तक खा तीरी, 3 महीने तक खा, फिर 3 महीना फिर चली गई, फिर बुला लिया, फिर चली गई, फिर वो दवाई तो बंद ही नहीं हो रही थी, फिर चलो घर को रोटी सब्जी बना दूँ और चाय बना दूँ और बारी झाड़ी कुछ भी नहीं निकालती थी मैं तो, फिर बैठे बैठे फोन पे हमने हकीम साहब के बारे में देखा, ठीक है, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कर यार वो आयो, जैसे ही आयार बना लिया कूट कर, और कौन सी दवाई? काला गोंद लिखा हुआ उसमें, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि आम अचार नींबू आलू बेसन छाछ दही एक कुछ भी नहीं खाना, चावल चने की दाल, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ छोड़ दिया, सब्जी रोटी हरी सब्जी और रोटी खा ली दोनों टाइम, छाछ सब कुछ सब कोई खा वो बंद कर दिया, देख वो बंद कर दिया, 1.5 महीने तक मैं लगातार लेती रही सुबह सुबह गुनगुना पानी के साथ, बताए उड़ो दोनों टाइम सो ले सको तो, बाकी सुबह गुनगुना पानी खाली पेट तो मैं एक टाइम लेती रही, और 3 दिन में चौथे दिन पांचवे दिन तो मैं खुद ही उठ बल आ गई। कैसा लगा जब खुद ही उठने लगी, सारे काम करने लगी? बस मर तो विनोद देकर खुश हो गो भाई, मम्मी तो कल तो मन पकड़ा हो सजद पानी पियो जी, आज तो खुद ही उठा उठा काम कर रही है, फिर गई तो मैं बारन जा और गोबर गाया को गाल वगैरह ट्राई करी, तो गोबर गाल दी, गोबर गालती गालती बैठ बैठ गाल अच्छी नीचे नीचे गाल वाला गई, नीचे नीचे गालती उठार खुद ही घेर वाला गई, और विनोद तो राजी हो तो गयो, मम्मी थार तो काम खूब करो बेटा, मैं परहेज सू भी ले रही हूँ, जिस चीज के लिए मना किया है उसको तो मैं खाती को देखती भी नहीं हूँ, पर अब तो मैं जा रही अभी भी जाऊँ तो उठा के सर पर रख लूँ या हाथों पर ले जाऊँ बाहर तक और ना कर उल्ट के जाऊँ। अच्छा, जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो कितने टाइम तक आप बेड पे रहीं और कितनी तकलीफ आपको होती थी? 6-7 महीना तक, 6-7 महीने तक गई बार मई में ही आई कोई तारीख जी और दर्द हुई हो तो फिर चलो डॉक्टर के पास लेगा, और इंजेक्शन दोनों टाइम लगता रहे, डॉक्टर अठे या तो और इंजेक्शन लगा जाओ तो बेड का गुद्दा काट और ऐसे ही फंटे पैसों आण दिया लेटा दिया और इंजेक्शन दोनों टाइम लगता रहे तो पानी पे सब जाए और खड़ी खड़ी रोटी बना दी, खड़ी खड़ी बना लियो बनाओ तो बेटर तो बना पाओ काम ही कौन सा। अच्छा, बेड से उठ पाती थी मतलब आसानी होती थी? बैठा था, उठाता। अच्छा, बेटा उठाता था। हाँ, खड़ा करता दो जना भी लग रहे। अच्छा, एक हाथ से 1 लीटर पानी भी नहीं उठ पा रहे सो, अठे भी दर्द सो। अच्छा, सूजन छी ने गाय को दूध निकालवा आमे भी दर्द, यहाँ निकालना पड़े आमे भी दर्द सो। अच्छा, अंडे सूजन हो ची बिल्कुल तैयार छे, देखो हाथ आपके बिल्कुल ठीक हो गए हैं और दूध 10 गाय को दूध काट लियो अभी, 1 क्विंटल दूध 100 लीटर दूध हो जाता है अभी भी दिन को। हाँ, हाँ, हाँ। और ताजा बेवड़ी गाय 150 लीटर दिन को दूध तो मैं बिल्कुल दूस उम्र में मंगाई मैंने और दूस जद की जद ही पीस ली मिक्सी के वहां मिक्सी में पीस और छान और डब्बा को उबर के रख लिया और सुबह उठी और चाय पानी तो घनी पिया, अभी तक नहीं पीनी है चाय पानी, करा गुनगुना पानी और लिया फाकी और फिर आराम से पहले गोबर ओबर ना कर फिर 1.5 घंटा बाद में चाय पानी पियो। तो आपके किस जगह पे दर्द होता था पहले तो मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो एडियो से शुरू हुआ, ठीक है, फिर अठासू अठे तो कमरी हो, ठीक है, डायरेक्ट अठे आगो कमर में आ गया। हाँ, और आमे जब बंडे से लुयो चौक तो आमो यो चो तो यार ये तो लोटे भी कौन उठा पाती। अच्छा, आप डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने क्या आपको तकलीफ बताई, क्यों हुआ है आपको? डॉक्टर ने कही कि ये कोई वजन उठाने की वजह से हो गया है। हाँ हाँ। और आप तो उम्र भर वजन नहीं उठा पाओगे। अच्छा, ये कह दिया उठा पाओ उठाओगे तो फिर इसी तकलीफ में आ जाओगे, आपकी डिस्चिक गई है, इसने तो जगह छोड़ दी है, अरे इस जगह पे इस तरह नहीं रहेगी, ये तो जब वजन उठाओगे या अकरोड़ा करोड़ से सो जाओगे इधर से इधर हो जाओगे तो आपकी डिस्चिक जाएगी, कोई भी लेटाओ और कोई भी थानो वापस खड़ो करो, कोई लेटो और खड़ाओ साफ सीधा।
आपको हम कुछ काम यहाँ पे करवाएं, जैसे भारी चीजें पहले आप उठा नहीं पाती थी, गोबर का पूरा वो तसला होता था जो अब आप सर पे रख के आराम से लेके चली जाती हैं, दूध आप काढ़ लेती हैं, घर का सारा काम आप कर लेती हैं, अभी हम आपसे करने को कहें तो आप झटपट कर लेंगी? हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं। अभी काला गोंद है आपके पास? नहीं, वैसे तो पूरा खाली यानी कि कोई पूछे ने कि देखा तू दिखा कहीं कैसी चीज है, तो अतसा अभी मेरे पास है, डब्बा भी है, सब कुछ सबूत के तौर पे, भाई कोई पूछे कि इसको चको, टेस्टी चीज नहीं है ये, ये कड़वा भी लगेगा, फीका भी लगेगा, मुंह भी खराब होगा जी। तो मंजू जी, बहुत सारी बातचीत आपसे हमने की है, लेकिन अब हम आपसे कुछ चीजें करवाएंगे, जैसे कि आप दूध नहीं काढ़ पाती थी और गोबर भी नहीं उठा पाती थी, तो कुछ कुछ चीजें हम देखते हैं कि कैसे आसानी से अब आप कर लेती हैं 1.5 महीनों के बाद, तो आप हमें करके दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, चलिए। तो मंजू जी, वो बेड मुझे दिखाइए जहाँ से आप उठ नहीं पाती थी। चलिए जी, यही वो कमरा है? हाँ यही है वो कमरा। अच्छा, यही बेड है। हाँ। तो इसके ये गद्दे वद्दे हटा, वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे, अगर गद्दे पे नहीं लेटोगे ऐसे फंटे पे लेट जाओगे तो अपने आप जार ना आओगे या कुछ लेटरिन वेटरिन करके आ जाओगे। तो वो 7 महीने तक तो ऐसा ही रहा। हाँ। फिर थोड़ी थोड़ी वो डॉक्टर की दवाई असर करती रही तो मैं खुद ही चली जाती। हाँ। और अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। हुँ। फिर विनोद आते या उसके पापा आते, वो खड़ी करते ऐसे नाड़ के हाथ लगा के। अच्छा, कितने महीने आप इस बेड पे रही हैं? इसमें 7 महीने तक पड़ी रही मैं। मंजू जी, धूप भी बहुत तेज हो रही है, लेकिन मैं अब कमरे से तो निकल आई हूँ, लेकिन अब आप हमें कहाँ लेके जाने वाली हैं ये बताइए। अभी मैं आपको जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना वो ही करके दिखाऊंगी। वो क्या काम है? वो जैसे हमारे यहाँ तो गाय होती है, 10 गाय है, तो मैं अभी गोबर का गमला भरूंगी और अपने सर पे रख के जहाँ उसको नाकना है वहीं नाक के झटके से वापस आ जाऊंगी। फिर चारा की वो पोट होती है ना, जैसे पकड़ के घुमा के अपने पीठ पे लद के लाके उन ठनू में गाल दूंगी। तो वही दिखाने वाली हूँ अभी आपको। अच्छा, कर लेंगी ना आराम से? कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। चलिए चलिए, चलते हैं फिर आपके साथ। तो देखिए, आपको बताया अभी मंजू जी ने कि 1.5 महीने के बाद देखिए कितनी फुर्ती उनके शरीर में आ गई है। आप देख सकते हैं मेरे से ज्यादा तेज मंजू जी चल रही है यहाँ पे, तो आप देखते रहिए, वो धीरे धीरे करके सारे काम कर रही है जी। ये ग्लव्स आप सबसे पहले पहनती हैं जी, तो इसी से फिर आप गोबर उठाएंगी? हाँ। अच्छा, अभी वहाँ जाऊंगी, वहाँ से सारा गोबर यहाँ तक के उठा के सर पे रख के वहाँ ना के आ जाऊंगी। अच्छा, चलिए, मेरी रफ्तार दर्शकों थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मंजू जी की रफ्तार आप देख सकते हैं। और देखिए इतनी चिलचिलाती धूप हो रही है और मंजू जी देखिए कितना फटाफट से काम कर रही हैं। देखिए ये स्पीड देख रहे हैं आप दर्शकों, जो भाग भाग के काम कर रही हैं मंजू जी, आप देख सकते हैं इनकी 10 गाय हैं और ये काम ये हमेशा ही करती हैं, डेली काम है उनका ये। 50 साल की हैं मंजू जी और घर का सारा काम खुद करती हैं, 10 गाय हैं, कोई कम गाय नहीं है, 10 गायों का खुद करती हैं ये। तो झुकने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? ये नहीं हो रही है बिल्कुल भी, अभी उसको अकेले उठाऊंगी, अपने सर पे रखूंगी और वहां ना के आऊंगी। चलिए ये भी दिखा दीजिए हमें, देखिए बिना तकलीफ के ऐसे भी ले जा सकती है। अच्छा, ऐसे भी कैसे कैसे, दोबारा बताइए। ऐसे? हाँ, अभी मैं उस ठेठ तक ऐसे चली जाऊंगी। अच्छा, अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा उठा के खाना खिलाते थे। हाँ हाँ, मेरे बेटा है ना वो पानी पिलाता था। हाँ, अभी तो मैं खुद सबको खिला देती हूँ, सब कुछ बना के। अच्छा, ये गाय भी आपके जो सामने में देख रही हूँ। हाँ, यही अच्छा। है हमारी गाय। देखिए 10 गायों का हमने जिक्र यहाँ पे किया था, ये 10 गाय आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 से 6 गायें यहाँ पे है, एक गाय वहाँ सामने बंधी हुई है दर्शकों, और बाकी गायें अंदर है। तो ये भाग भाग के काम कर रही है मंजू जी। तो जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक ग्लास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो अपनी गाय का काम कर लेती हैं, घर का काम कर लेती हैं, अकेली करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये अपने घर का काम अकेले करती हैं और कोई इनका सहारा देने वाला यहाँ पे नहीं है। तो देखिए आप, तो सहारे से इनको उठाया जाता था, इनके पति उठाते थे, इनका बेटा उठाता था, दोनों बहुत तकलीफ़ में रहते थे कि माँ कैसे ठीक हो पाएंगी, लेकिन मंजू जी की ये अंदरूनी ताकत है, अंदरूनी हिम्मत है कि उन्होंने हकीम साहब के गौन सिया पे भरोसा किया। और देखिए
ये जो रफ्तार से आप मंजू जी गोबर फेंक रही हैं तो इसमें हाथों में भी दर्द होता है, तो अभी किसी तरीके की कोई दर्द? नहीं नहीं दर्द होता तो ये कैसे कर पाती। अच्छा चलिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को फेंक के दिखाइएगा कि कितनी फुर्ती से आप फेंक रही है। तो देखिए कितना झुकना पड़ रहा है मंजू जी को, हर जगह झुक झुक के उन्होंने, देखिए आसानी से, ये देखिए ये प्रेशर देखिए जी। तो आप मंजू जी का कहना है कि वो दूसरी तरफ हमें लेके चलेंगे। अभी हमने बाहर की गायें दिखाई मंजू जी की, जिनका काम इन्होंने किया, गोबर उठाया और जहाँ उपले बनते हैं वहाँ पे इन्होंने हाथों के पूरे प्रेशर के साथ गोबर वहाँ पे डाला। तो मंजू जी मतलब मैं हैरान हो गई, मेरी भी सांस फूल रही है, अगर मैं सही कहूँ आप मेरे से भी तेज चल के। अभी मैं वहां जाऊंगी, जो ग्रेज होता है ना चारा इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें चारा डालूंगी और यूं अकेले उठा के लेके ठाणु में डाल दूंगी गायों की। अरे वाह वाह, चलिए चलिए चलिए। तो सुना आपने, चारा वो यहाँ पे डालेंगी। मंजू जी चारे की गठिया बना ली आपने, ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। ये रोज करती हैं? हाँ। देखिए ये गठरी कितनी भारी है जो चारा ये लेके जा रही हैं अपने गायों के लिए। तो मंजू जी जो बहुत परेशान थी, देखिए अगर कोई औरत जो है वो रोज़ ये काम करे और एकदम से वो बेड पे बैठ जाए तो उसके लिए कितनी तकलीफ की बात होती है, अपना काम खुद नहीं कर पाना। अब इतनी भारी गठरी वो चारे की लेके आई है मंजू जी, ये 35 किलो है? हाँ बिल्कुल 35 है। अच्छा, इससे तो कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। अच्छा यही वजन रोज होता है? हाँ दिन में 2 बार। अच्छा, और कमर में जैसे भी आप झुक के ये चारा डाल रही है, झुक के आपने ये पूरी गठरी बनाई है चारे की, तो कोई तकलीफ? तकलीफ होती तो ये बंद ही नहीं कर पाती। सही बात, तकलीफ होती तो ये बंद भी नहीं पाती ना ये उठा पाती। जब से मेरे पहले पैरों में और कमर में दर्द नहीं था तो मैं 1 क्विंटल दूध 100 लीटर दूध दिन का निकालती थी। फिर मेरे शरीर में तकलीफ हो गई तो मेरा तो दूध भी बंद हो गया। बस कोई खाने जितना सा दूध जो भी पड़ोस में काट जाती। और जैसे जैसे मैं अच्छी होती गई फिर से मैंने 10 गाय बना ली। और वो देखिए मेरा एक टेम का 40 लीटर का तो वो है और 10-12 लीटर एक गाड़िया वोली सरकारी उसमें डाल दूंगी। अच्छा। एक टाइम का 40 लीटर दूध माता है उसमें। देखिए वो देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे 40 लीटर का दूध जो है वो निकालती हैं मंजू जी, एक टाइम में 40 लीटर दूध निकालना मायने रखता है। इसके बाद आप हमें क्या दिखाएंगे? अभी गाय का दूध निकाल के। तो देखिए दर्शकों 60 लीटर जो एक टाइम में दूध निकाल लेती हैं, जो पहले कोई काम नहीं कर पा रही थी, काम तो दूर की बात है, बेड से ही नहीं उठ पा रही थी, देखिए हाथों में उनके बहुत तकलीफ रहती थी। तो दर्शकों ये वही हाथ है जिनमें दर्द रहता था पिछले 3 साल से, और कमर में जिस तरीके से डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी डिस्क जो है वो खिसक गई है, आपके कमर में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है। देखिए दूध निकालने में तीनों चीज़ों पे ही असर पड़ता है, कमर हो या घुटना हो या हाथ हो। और अब देखिए मंजू जी खुद अच्छे से दूध निकाल रही हैं, आसानी से देखिए बैठ भी गई हैं बिना पटरी के सहारे। देखिए पटरी भी उन्होंने नीचे नहीं लगाई है, घुटनों के बल बैठी हुई हैं और हाथ देखिए उनके कितनी तेज़ी से चल रही हैं। यही वो हाथ है जो अकड़े रहते थे, जिनमें सूजन आ गई थी। तो मंजू जी ये कमाल कर दिया आपने, हमें दूध निकाल के भी दिखाया। तो पहले ये काम ऐसे आराम से कर पा रही थी क्योंकि घुटने हो, हाथ हो, कमर हो, तीनों चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। नहीं जी, डॉक्टर की दवाई खाती थी तो डॉक्टर कहते थे कि पाटे के बिना बैठोगी तो फिर से डिस्क चिक जाएगी। हाँ। तो बैठ ही नहीं पाती थी, पाटा कहाँ से लगाती थी। अच्छा, जब पहले बैठती थी तो कहाँ कहाँ दर्द होता था? सबसे पहले एड़ियों से, घुटनों में और सबसे ज्यादा कमर में। हाँ। और फिर हाथ में तो ये तो अठास तो बिल्कुल ही काम कौन करे था, जैसे ऐसे नहीं हो पाता था। हाँ, ऐसे हाँ, नहीं होगा तो हाँ, दूध नहीं निकलेगा। तो बस ये तो ऐसे रहते थे। तो दर्शकों हम पहुंचे जयपुर से 60 किलोमीटर दूर, रायथल पड़ता है, रायथल से 3 किलोमीटर आगे गांव है बासड़ी गांव, यहां पे रहती हैं मंजू जी। और मंजू जी की सच्ची कहानी आज हमने इस एपिसोड के जरिए आप तक पहुंचाई है। भरी दोपहरी में उन्होंने हमें वो काम करके दिखाया है जिस पर यकीन कर पाना तब तक मुश्किल हो रहा था जब तक हम मंजू जी से नहीं मिले थे, लेकिन देखिए हमने नहीं
आप लोगों ने भी देखा कि कैसे उन्होंने फटाफट से अपना सारा काम किया है। 10 गायों का काम वो करती हैं, दूध उन्होंने निकाला है, बेड से वो उठ नहीं पाती थी, 50 साल उनकी उम्र है, इस पूरे घर का काम वो अकेली करती हैं, अकेली करने वाली हैं, पति और बेटे का ख्याल भी वो खुद रखती हैं, तो काम बहुत होते हैं गाँव में, दर्शकों मामूली बात नहीं है। और ये तो अभी दिन का वक्त है, शाम में उन्हें फिर से और काम करने होते हैं। तो आपने देखा मंजू जी को कैसे उन्होंने ये सारे काम किए। तो इस प्रोग्राम के जरिए ऐसे ही हम आपको मिलवाते रहेंगे सेहतमंद स्वस्थ दर्शकों के साथ। और आज के लिए कहानी थी मंजू यादव जी की। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।